तदर्थ शिक्षकों को स्थायी करने की मांग उठी। दिल्ली विश्वविद्यालय के शिक्षक संगठनों ने तदर्थ शिक्षक की आत्महत्या के बाद मंगलवार को बैठक की। इसमें एक स्वर में तदर्थ शिक्षकों को स्थायी करने की मांग की गई। बैठक में कई शिक्षक संगठन व कॉलेज के स्टाफ एसोसिएशन के लोगों ने भी हिस्सा लिया। रामजस कॉलेज के भौतिक विभाग के शुभजीत ने उन शिक्षकों की दुर्दशा के बारे में बात की जिनके पास स्थायी नौकरी नहीं थी। हंसराज कॉलेज के छात्र पुनीत और समा ने बताया कि कैसे कुछ बेहतरीन शिक्षकों को बाहर कर दिया गया और शिक्षण की गुणवत्ता में गिरावट आई। लोगों को पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि वैचारिक कारणों से नियुक्त किया जा रहा है। हंसराज कॉलेज में करीब 50 से 60 शिक्षकों की नौकरी चली गई है। मृतक समरवीर की करीबी दोस्त और तदर्थ शिक्षिका खुशबू ने समरवीर को याद करते हुए अपने कठिन समय को साझा किया। उन्होंने कहा कि वह जीवन के प्रति जुनूनी था और ऐसा व्यक्ति नहीं था जो आत्महत्या करे। उन्होंने एडहॉक शिक्षकों के साथ क्रूर व्यवस्था द्वारा किए जा रहे दुर्व्यवहार पर प्रकाश डाला।